चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम के एक नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर के एक नए सिक्योरिटी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली रोल आउट कर दिया गया है। ये एंड्रॉइड यूजर के लिए बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल का यहाँ पर जो फीचर या बोल सकते हैं सिक्योरिटी को वहां पर रोल आउट किया गया है। क्या ये सिक्योरिटी है, कैसे इसको इनेबल करेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल क्रोम के नए फीचर के बारे में। तो उसके लिए करना क्या है, पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले आना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। हो सकता है कि अगर आप इसको अपडेट ना करें तो वो फीचर आपको ना मिले, तो आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। दोस्तों ये फीचर है इनकॉग्निटो मोड, या बोल सकते हैं प्राइवेसी मोड पे जो टैब होती है, इनकॉग्निटो टैब जो ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर जाते हैं जब आप, तो ये उससे रिलेटेड ये वाला फीचर को रोल आउट किया है। वहां पर क्या होता था, जब भी अगर आप उस जैसे इनकॉग्निटो मोड या फिर बोल सकते हैं प्राइवेसी टैब में अगर आपने कोई खोल के रखा है, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहां से बाहर आ जाते हैं और दोबारा जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं किसी के हाथ में ही मोबाइल है, तो डायरेक्टली वो टैब को यूज कर सकता है, आपको बिना बताए वो देख सकता है कि आपने प्राइवेसी टैब में या इनकॉग्निटो टैब में आपने क्या देखा था या क्या वेबसाइट खोली हुई थी। तो उसी सिक्योरिटी से रिलेटेड ये फीचर है। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप लॉक लगा सकते हैं कि कोई भी इनकॉग्निटो टैब को यूज ना कर सके। जब भी वो कोई खोलेगा एग्जिट करके, तो उसको वहां पर पासवर्ड, पिन, या फिर आपने फिंगरप्रिंट लगा रखा था, फिंगरप्रिंट या फिर अनलॉक आपसे मांगेगा। तो ये पहले iOS पे हो चुका था, अब ये एंड्रॉइड के लिए रोल आउट कर दिया गया। तो बहुत ही कमाल का फीचर है, तो मैं आगे आपको यूज करके बताने वाला हूं। तो इसको डाउनलोड या अपडेट करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये यहां पर आपका ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक न्यू टैब खोल ली, और यहाँ थ्री डॉट्स पे जाके मैंने एक न्यू इनकॉग्निटो टैब खोल ली। यहाँ पर खोल लिया गूगल, या मैंने कोई सी भी वेबसाइट को खोल ली, मैंने यहाँ पर गूगल को खोल लिया, और अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे बाहर आ गया। बैक आने के बाद जब भी मैं दोबारा जाऊंगा, तो आप देखें इनकॉग्निटो मोड डायरेक्टली खुल जाएगा, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इसी में आप प्राइवेसी डाल सकते हैं या सिक्योरिटी डाल सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको क्या करना है, ये एक मैं बता रहा हूँ। ये मैंने हैशटैग या बोल सकते हैं फ्लैग है, आपको अपने गूगल या फ्लैग में जाना है, क्रोम फ्लैग्स लिखना है, क्रोम /flag/inconfidic/reauthentication आपको लिखना है फॉर एंड्रॉइड। जैसे ही आप लिखेंगे उसको यहाँ पर सर्च मारेंगे, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा, इनेबल डिवाइस रीऑथेंटिकेशन फॉर इनकॉग्निटो, आपको ये मिलने वाला है। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ से इनेबल कर लेना है, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। इनेबल करने के बाद आपको गूगल क्रोम को बंद कर देना है। गूगल क्रोम को बंद करने का नहीं है, जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ वापस जाना है, डॉट्स पे इनकॉग्निटो मोड पे चले जाना है। न्यू इनकॉग्निटो मोड पे जाएंगे, टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले तो उसको इनेबल करना है फिंगरप्रिंट वाले को, या बोल सकते हैं फेस अनलॉक वाले को। तो उसके लिए आपको थ्री डॉट्स में जाना है या सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक इनकॉग्निटो टैब व्हेन यू आर लीव क्रोम, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, पहले आपको पहले वहां से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपसे पेन पैटर्न या जो भी आपका होगा वो मांग लेगा, और ये ऑन हो चुका है। अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे, अब मैंने यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड पे आ गया हूँ वापस, तो आपसे अनलॉक करने के लिए पहले पासवर्ड मांग रहा है, तो जाके ये अनलॉक होगा। इसको एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा, लाइक मैंने यहाँ पर कोई सी वेबसाइट खोल ली, गूगल खोल लिया, और मैं यहाँ से आ गया बैक। अब बैक आने के बाद मुझे वापस वहीं जाना है, या भी बोल सकते हैं आप देख रहे हैं, तो मुझे पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो अदर ऐप यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही मुझे खोलना है तो अपना फिंगरप्रिंट, फेस या यूजर पिन, यूज पिन मुझे डालना रहेगा। जैसे ही मैं डालूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये ऐसे ही काम करने वाला है, जब आप उसको बंद करके खोलेंगे तो आपसे वो पासवर्ड मांगने वाला है। तो कमाल की यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर को रोल आउट कर दिया गया, ये रिसेंटली रोल आउट किया गया था, मुझे तो सही लगा, इसलिए मैंने वीडियो बना के बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक भी बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताना। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।